तो यार अभी जो है सब्जी वब्जी कट रही है, उसके बाद कढ़ाई पनीर खाएंगे भाई आज। सो हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशांत और अभी हम लोग हैं रक्षम विलेज में, जो कि पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के। और यहां पे हम लोग करने वाले हैं आज कैंप। और पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि हम गए थे भीमाकाली टेंपल और यहां तक की जर्नी, वो अगर आपको देखना है तो पिछला व्लॉग देख लेना। यहां पर अब जो है हमें कैंपिंग लोकेशन मिल गई है, यहां पे लगाने वाले हैं हम टेंट। और कैंपिंग लोकेशन के बारे में जो भी डिटेल्स है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, देख लो वो वीडियो, उसमें आपको पता लग जाएगा यहां पे कैंप कैसे लगाना है। यहां पर हम लोग अपना सामान अनलोड करते हैं, टेंट वेंट लगाते हैं, नजारे बहुत जबरदस्त हैं। इधर हमारे पहाड़ है, इधर हमारे पहाड़ है, इधर भी रिवर है, इधर भी रिवर है। बारिश का मौसम में जो है थोड़ा रिवर और पहाड़ से दूर रहना चाहिए। पहाड़ दूर है, रिवर दूर है, तो सेफ है एकदम, कैंपिंग लोकेशन सेफ है। तो अब लगाते हैं यहाँ पर टेंट, फिर करते हैं आगे की कहानी कंटिन्यू। अभी हम बॉन फायर के लिए पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, इसके बीच में हम आग जलाएंगे आज अपनी। तो गाइस स्टैंड वैंड सब कुछ लग चुका है हमारा, और अभी जो है यहाँ पर हम बॉन फायर का इंतजाम करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे पाइन कोन्स पड़े हुए हैं, हम जला सकते हैं। तो अभी जो है पहले आग वग का इंतजाम करते हैं, अपना स्टोव लगाएंगे, उस पर चाय बनाएंगे और उसके बाद डिनर बनाएंगे। तो आग जलाते पहले। टिश्यू है ना तुम्हारे पास? वो है ना, हाँ, टॉयलेट पेपर, हाँ देना। वो नहीं दे सकता, क्यों? ऐसे जल जाएगा इसमें। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, वो जल्दी जलेगा यार, थोड़ा गीला गीला है ना, सीला गीला गीला। सपोर्टिंग कास्ट चाहिए ना इसको, सपोर्टिंग एक्टर्स चाहिए। तो गाइस बाहर जो है बहुत ज्यादा ठंड हो गई है और बादल हो चुके हैं पूरी तरह, चारों तरफ बादल ही बादल है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस है। लेकिन हम लोग जो है अपना क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मैच देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अरे वाह, तुम तो पूरे सेट निकले। तो गाइस फाइनली जो है हमने कुकिंग का प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम क्या बना रहे हैं? कढ़ाई पनीर बना रहे हैं। सच में कढ़ाई पनीर? पक्का? श्योर? आंसू क्यों आ रहे हैं? याद आ रहा है। तो यार अभी जो है सब्जी वब्जी कट रही है, उसके बाद कढ़ाई पनीर खाएंगे भाई आज, मजा आ जाएगा यार। भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी बन जाए तो सुकून मिले थोड़ा। बड़ी बड़ी प्याज जलती है इसमें, ये तो ग्रेवी के लिए होगा। ओ भाई तू खोल थोड़ा। केटरिंग का बिजनेस तो है, अब इनको खाना बनाना आता है या नहीं आता वो अभी आज पता लग जाएगा, क्योंकि कढ़ाई पनीर जो है बंगाली डिश नहीं है, ये पंजाबी डिश है। भूख लग रही है, तब तक कढ़ाई पनीर के लिए कढ़ाई चाहिए होता है, यहाँ पे पैन है, पैन पनीर बना दो। पैन पनीर लो,
लो बराबरी का हिस्सा। और यार हम टेंट के अंदर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते थे कि हमें बीच में से उठना पड़े, और इसलिए अब अंदर ही बनेगा सब कुछ, अंदर बनाना पड़ेगा। कढ़ाई पनीर के प्याज आंसू में बह गए। थोड़ी देर में मेरे भी आने वाले। नहीं जो काटता ना उसका आता ज्यादा। तो इधर चल रहा है अपना मैच इंडिया पाकिस्तान का, और इधर कट रही है शिमला कढ़ाई पनीर के लिए। वही लगा दो ना दूसरी लाइट। ऑयल डालो। एकदम सिंपल बनाएंगे, ज्यादा ये नहीं। ध्यान से चिटकना जाए, थोड़ा कम ऑयली रखना ना। कम ही ऑयल करेंगे लेकिन ये निकले तो पहले यार। डर बियर की तरह आवाज आती है इसमें। बड़ा वाला छोटा वाला डालना था पहले। ये तो निकाल देंगे ना हाफ फ्राई करके। इतना भी क्या करना था परफेक्ट बनाने के लिए? अब केटरर इंसान है तो बनाना पड़ता ना प्रॉपरली। पनीर में डाल देंगे। डाल दो, हाफ फ्राई करके निकाल देंगे। देखे पूरा फटाक से गिरेगा। तो प्लास्टिक से भी डाल। मिर्च भी डाल लो। जल डाल। गल जाएगा यार तो। ऐसे ही डाल दो। और ये डालना है क्या? टमाटर डाल दो। ग्रेवी रहेगा ना तो चावल के साथ खा भी पाएंगे। टमाटर क्या से ग्रेवी अच्छा बनेगा ना। डालो काफी है। कम है। मिर्ची तेज हो जाएगा। बस खुशबू तो आने लग गई भाई। थोड़ा सा डालता हूँ, आप खा लोगे ना बाकी। हाँ। चीनी डाल के मिष्टी दही बना देंगे, सस्ती वाली। हाँ, नकली वाली मिष्टी दही। हाँ बेटर रहेगा, खाने के बाद खा लेंगे दही। मीठा हो जाएगा ना थोड़ा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा खाना वाला सब कुछ, आके दिन भर का सब कचरा। दही अच्छा है लेकिन ये क्वालिटी, ये ऐसा पैकेजिंग में पहली बार देख रहा हूँ। ये पहाड़ों में मिलता है, पहाड़ों में ऐसा पैकेजिंग मिलता है। सही है, पूरा वैक्यूम सील्ड। फाइनल स्टेप सब्जी बनने का। आज पाकिस्तान वालों को पता नहीं क्या हो गया, सारे कैच पकड़ रहे हैं। अब ये ना सिमर होगा थोड़ा। हाँ सिम करके पका उसको। कढ़ाई पनीर तो रेडी है भाई। सलाद का भी इंतजाम। प्याज के लच्छे बना दे, ज्यादा हो जाएगा पूरा सलाद। खीरे देखो कितना बड़ा है। मोटा मोटा काट दो ना।
मोटा मोटा काट दो ना, मोटा मोटा और क्या, ज्यादा स्टाइल में नहीं की जरूरत, सपनों में तो खाना है। तो गाइस फाइनली जो है हमारा जो खाना बन चुका है, 9:48 हो चुके हैं समय रात के, खाना बनने में लगे करीब दो घंटे नहीं लिया, 8:30 बजे हम लोग बहुत लेट से शुरू किए, 9 बजे के आसपास शुरू किए, 40 मिनट में बना खाना एक्चुअली। नहीं यार, 1 घंटा तो हो गया, क्योंकि हम लोग यार इंडिया की पूरी बैटिंग नहीं पड़ गई, पाकिस्तान खेलना शुरू कर गई, 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट हुआ, 1 घंटे से ऊपर हुआ है, मतलब मस्त खाना बनाया आज, कढ़ाई पनीर और चावल, सलाद भी हमने काटी थी वो हम खा गए पहले ही, बहुत जोर भूख लग रहा था, भूख लग रही थी तो खा गए, दही भी है और खाते हैं, हम निकालते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ कैसा बना है। तो गाइस ये हमारे राइस जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हुए हैं और खाने में आ जाएगा मज़ा, और इधर है हमारी सब्जी, बकायदा धनिया वनिया डाल के कढ़ाई पनीर बना है भाई, मज़ा आएगा फुल ऑन। थोड़ा सा घी पड़ जाता ना इसमें, थोड़ा सा रख दो उसको, थोड़ा सा रख दो, जिसको जी होगा ले लेंगे, क्या रखना अब कर दो, तब पूरा पूरी आधा आधा कर दो, मस्त बना है सब्जी, मस्त बना, ये ना जुगाड़ वाला कढ़ाई पनीर। लेकिन सच बताऊं कल वाली जो सब्जी थी ना वो उससे बेटर बनी थी, बिना मसाले वो पता नहीं क्या चीज बन गई भाई, इतना टेस्टी बना था कल का खाना, आज का भी बढ़िया है लेकिन कल का तो नेक्स्ट लेवल था। आज का तो जैसे ना सच बताऊं तो दही पनीर यही सब का टेस्ट है, और कल का सब्जी में पूरा सब्जी का टेस्ट था। अच्छा लग रहा है पनीर, सही क्वालिटी का पनीर था तो खाने में खराब नहीं लग रहा, तो भाई क्या होता है रबड़ जैसा पनीर होता है कहीं कहीं पे, ये वर्का कोई ब्रांड के उसका है, पैसे नहीं दिए उसने तो वो पनीर जो होता है ना बेकार सा होता है, तो सब्जी उसकी कोई सी बना लो बेकार ही बनती है, ये अच्छा बन रहा है। चावल पका है? पक गया चावल, चावल भी पक गया, सब्जी भी पक गई, नमक मिर्च मसाला परफेक्ट है एकदम। अभी बारिश बंद हो तो बर्तन वर्तन धोए जाए, नॉन स्टॉप चल ही रही है बारिश बूंदाबांदी, तो सुबह टेंट पैक करने में अच्छा सी होगी, सब गीला, कोई नहीं फिर से सुखाना पड़ेगा वैसे टेंट खोल के, धूप निकल जाए ना तो सही रहता है, कितनी बारिश आ जाए सुबह धूप आ जाए बस, फिर टेंशन नहीं है। तो यार हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस अब नींद आ रही है बहुत तेज़, रात के 11 बज चुके हैं और अब हम जो है सोने वाले हैं, सुबह उठते सुबह देखते क्या नज़ारा है, बारिश फिलहाल बंद है लेकिन बाकी टाइम होती रही है आगे भी होती रहेगी ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत बादल है, तो गुड नाइट सुबह मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और उठ गया हूँ मैं, पूरी रात बारिश होती रही, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी चलती रही, अभी फिलहाल बंद है, बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ पहले मैं, फिर उठते हैं सामान वामान समेटते हैं, ये लगे खोले पूरा खोलो ना, अरे मौसम खुल गया भाई, वो ब्लू स्काई दिख गया भाई, मजा आ जाएगा अब तो राइड करने में आज, इसको
मेरे कुर्सी पे मैं कम पानी नहीं पीछे यार कैंपिंग करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन सामान लोड अनलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी आप ये देखो, ये जो सारा सामान है, ये हमारा सामान बिखरा पड़ा है। हम लोग जितना दिन आगे बढ़ रहे हैं ना कैंपिंग, उतना ज़्यादा फैला रहे, पूरा पूरा फैला देते हैं। अब फैली हुई जगह मिल गई है तो फैला दिया हमने यहाँ पर। तो एक बात यहाँ पर है कि ये जो जगह जहाँ पर हमने कैंप किया है ना, यहाँ पर कैंप करना अलाउड है नहीं। तो वैसे तो हमने परमिशन ली थी, उन्होंने हमें बोला था, लेकिन उन्होंने इस जगह का नहीं बोला था, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, उन्हें भी थोड़ा बताने में गलती हो गई, और हमने यहाँ पर टेंट लगा लिया। तो रात को जो है हमारे को आए थे लोकल बताने कि आपने गलत जगह टेंट लगाया, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो सुबह उठते ही निकल लेना, क्योंकि फिर कोई आएगा फॉरेस्ट वाला तो कंप्लेंट हो जाएगी, इसलिए पहले ही चले जाना। तो अपन जो है अभी सामान वगैरह सब लोड कर रहे हैं और फिर निकलते हैं। ऐसे उन्होंने हमें आगे को बोला था, अब आगे हम गए नहीं, हमने यहीं लगा दिया। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, हमने तो कर लिया। अब अगर आप आ रहे हो तो मतलब पहले पूछ लेना एग्जैक्टली कहाँ लगाना है टेंट, वरना फिर कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे कुछ भी कचरा नहीं मचाया, सारा कूड़ा हम अपना साथ में लेके जा रहे हैं। सामान लोड करते हैं फिर निकलते हैं। गाइस सामान वगैरह सब कुछ लोड हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये कैंपिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी लोकेशंस की फोटोज़ वगैरह के लिए, रील्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, आगे की जर्नी के लिए फॉलो करना नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी होगा दिखा देंगे। बाय बाय।